यकीन मानोगा इस वीडियो को देखने के बाद आप यही बोलोगे क्या बात है सर, क्या बात। क्योंकि कितना भी पुराना अकाउंट हो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हो। बस वीडियो को सीरियसली देखना और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। जैसे कि मैं अपने अकाउंट को आ चुका हूँ, अपना अकाउंट ओपन करता हूँ और जो अकाउंट का मुझे पासवर्ड कुछ भी नहीं पता है उस अकाउंट को यहाँ पर मैं लॉग आउट करके उसके बाद मैं जाऊँगा और उसको लॉग इन करूँगा और आपके सामने यहाँ पर लाइव करके दिखाऊँगा कि कैसे आप अपना अकाउंट जो ओल्ड अकाउंट है उसको रिकवर कर सकते हो, चाहे एक साल पुराना हो या फिर। तो अब यहाँ पर देखो फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ मैं अकाउंट सेलेक्ट करके, क्योंकि मुझे नहीं पता है, यूजर नेम भी नहीं पता, फिर भी यहाँ पर आप अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर तो पता ही होगा ना, इतना तो बेसिक सा है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना फिल करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर देखो यहाँ पर एक कोड आएगा, दो रास्ते बताऊँगा जहाँ से आप, कहीं से तो आपका हो ही जाएगा, बस इतना निश्चिंत रहना कि आपका मैं यहाँ पर रिकवर करके देने वाला हूँ। देख सकते हो जितने सारे अकाउंट थे सारे यहाँ पर शो करने लगे। अब हमने ये वाला अकाउंट को फॉरगेट किया था, अब यहाँ पर एक नया पासवर्ड बना सकते हैं हम अपने अकाउंट का। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो बैठ यहाँ पर आगे देखिए मैं क्या बताता हूँ, उसको भी आप देख सकते हो, उससे भी आपका हो जाएगा। मतलब आप निश्चिंत रहिए, आपका कहीं ना कहीं से दोनों स्टेप में से किसी को फॉलो कीजिए, आपका हो जाएगा। देखो मैंने पासवर्ड यहाँ पर अपना लॉगिन कर दिया है, सॉरी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो मैं इसको आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ब्लर दिया था। अब इसको यहाँ पर इतना करने के बाद अब देखो मेरा ये अकाउंट आप देख सकते हो चुका है लॉगिन। अब यहाँ पर देखो दूसरा रास्ता बताता हूँ मैं आपको, इस सिस्टम में आपको करना है यहाँ पर गूगल ओपन कर लेना है अपना, और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर रिकवर इंस्टा अकाउंट बस इतना सर्च कर देना है। अब फाइनली आपके सामने फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है ना, ये इंस्टा की ऑफिशियल है, इस पर क्लिक कर देना। और जैसे भाई इस पर आप क्लिक करोगे ओपन ऐप का ऑप्शन दिखता है आपको, तो इसको ओपन कर लेना। अब यहाँ पर देखो रीजन, यहाँ पर देखो बहुत सारे, यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम सपोर्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आई हैव फॉरगेट अ पासवर्ड, मतलब इस पर आपको क्लिक कर देना। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फाइंड योर अकाउंट, अब यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल करना होता है। मैं अपना अकाउंट नंबर फिल कर देता हूँ। अगर आप फेसबुक से लॉगिन हो डायरेक्ट तो यहाँ से फेसबुक से लॉगिन कर सकते हो, तो आपका अकाउंट वैसे ही रिकवर हो जाने वाला है यहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर फिल करता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर फेसबुक से लिंक है होता है आपका अकाउंट फॉरगेट वाला, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर लॉगिन कोड सेंड, ओके, तो यहाँ पर कोड फिल करना है आपको, आपके उसी कॉन्टैक्ट नंबर पर कोड आएगा जिससे आप अपना अकाउंट लॉगिन किए होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोड आया फिर नहीं आया, और उसके बाद यहाँ पर बस यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं क्या, क्योंकि इतना जल्दी नहीं आ जाता, तो थोड़ा से देख लेते हैं। इसमें जाके देखते हैं, कभी कभी आ जाता है कोड पता नहीं। देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये कोड आ चुका है काफ़ी टाइम हो गया, 733291, तो ये रहा कोड। शायद इसको हम फिल करके देखते हैं इसके अंदर, और अगर यही कोड होगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो गाइस देख सकते हो फाइनली ये यही कोड था जो यहाँ पर अभी अभी सेंड हुआ है। तो यहाँ से अब देखो मैं अपना कोई सा भी अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, जितने सारे अकाउंट थे, और हमने बिजनेस अकाउंट यहाँ पर अब सिलेक्ट करना है, बिजनेस स्किल वाला अकाउंट। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करके दिखाते हैं आपके सामने। ये मेरा एक फॉरगेट पासवर्ड है समझ लो, फॉरगेट पासवर्ड मैंने करके इसको रिसेट किया है, तो इसको लॉग इन करेंगे तो भी देख लेना जो अकाउंट ओपन होगा, ऑलरेडी पहले से ही वो अकाउंट मैंने बना रखा था और मुझे नहीं पता था उसका पासवर्ड वगैरह कुछ भी, यूजर नेम नहीं पता था, तो रिमेंबर यहाँ पर देख सकते हो। अब इसको हम लॉगिन करेंगे और उसके सामने जो हमारे सामने जो इसका पेज ओपन होगा हमारे प्रोफाइल का, उस पर मैं आपको फॉलोअर भी दिखाऊंगा, क्योंकि कोई नया अकाउंट नहीं है ये वाला। नीचे देखो व्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, देखो ये सारे अब ऑप्शन दिखने लगे, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से स्विच कर सकते हो अकाउंट को। अब जैसे कि मैं यहाँ पर स्विच अकाउंट करता हूँ बिजनेस स्किल में, तो जैसे बिजनेस स्किल में स्विच करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो वो अकाउंट ओपन हो चुका, पहले से मैंने ऑलरेडी डीपी लगा रखी है इस पर, सॉरी प्रोफाइल इमेज सेलेक्ट कर रखा है, पोस्ट भी कर रखा है, यहाँ पर देखो 47 फॉलोअर्स भी हैं। तो इस तरीके से अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। ओके okay?